सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो हम बनाएंगे टैप पेपर टेक्स्ट इफेक्ट। सो गाइज, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना गाइज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे पेपर, कंट्रोल ए करके हम इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, F3 दबाएंगे और फिर हम इसको अपर कर देंगे। हमारा ये हो गया। डबल टैप करेंगे, अब इसका फॉन्ट हम चेंज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ दबाओगे तो आपका यहीं पे डायलॉग ओपन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपना फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल गौतम वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, गौतम ब्लैक। तो फिर हमने यहाँ से गौतम ब्लैक ले लिया, यस हमने ले लिया। हमने इसको पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा, हमने सेंटर में लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, हम इसका मिट्टी कलर रखेंगे। पहले हम यहाँ पे गए और यहाँ से हम इसको मिट्टी कलर बनाएंगे। मिट्टी कलर बनाने का आपको कोई नहीं जाना, यहीं से खाली आपको यहाँ से इरे सेलेक्ट करना, थोड़ा मिट्टी से मिलता जुलता है, या आप थोड़ा ब्राउनी सा कुछ भी कर सकते हैं, खाली आपका कलर थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, हमारा कलर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे, ये हमारा कॉपी हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्सेस को अभी कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनर साइड हो जाएंगे। इनर साइड हो जाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे ड्रॉप साइड में करेंगे, यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। हमने कलर ले लिया, इसकी लाइन हमने बढ़ा दी कहीं 2। अब यहाँ ड्रॉप साइडो पर जाएंगे, यहाँ से हम करेंगे इसको लार्ज ग्लो। अब हम यहाँ से इसको करेंगे मिडल, और यहाँ से हम इसको कर देंगे कम से कम 10, ठीक है। और हम यहाँ से शेडो का इसका कलर चेंज करेंगे, यहाँ से सिंपल ये वाला रखेंगे, इसका थोड़ा डार्क सा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल के करेंगे, ये तो राइट क्लिक करो आप पहले, यहाँ पे ब्रेक ड्रॉप साइड ऑफ ग्रुप अपार्ट कर दो यहाँ से, और यहाँ पे आपका अलग हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्यू करके हम इसको कर्व कर देंगे, ये हमारा कर्व हो गया। पीछे से हम साइड ऑफ सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से हम पावर क्लिप कर देंगे। यहाँ से हम इसको लेंगे, उसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 मिनट दीजिए, अभी सही करके देता हूँ। शिफ्ट बैक अप, अब पावर क्लिक किया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन हटा देंगे। आउटलाइन नहीं हटाएंगे हम, पता है क्या करेंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे। यस आई गॉट इट। फिर हम क्या करेंगे, इसको ईसी कर देंगे। ईसी समझते हो ना, अलाइनमेंट है सेंटर में लाने के लिए। अब हम इसको पावर क्लिप करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको कंट्रोल क्यू के साथ कर्व हो जाएगा। आउटलाइन को कर्व करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू, और फॉन्ट को या किसी वेक्टर को कर्व करने के लिए कंट्रोल क्यू दबाया जाता है, ठीक है। तब हम यहाँ से क्या करेंगे, मैंने इसका शॉर्टकट की बना रखा है, अब मैंने इसके अंदर कर दिया है। अब मैं एडिट पे जाऊंगा, थोड़ा सा इसको इधर की साइड करूंगा, ठीक है।
यहाँ मैंने कर दिया। यहाँ से मैं इसका थोड़ा कलर लाइट लूंगा ताकि आपको शेडो दिखे। ऐसे ही है ना, मैंने इसको इतना कर दिया लाइट। ठीक है ना, आपको तो शेडो दिख रहा होगा। मैं इसको सेंटर में लाऊंगा। अब मैं इसमें से इसकी शेडो हटा दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये शेडो हट गया। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से मैं फ्रेंड टूल लूंगा, शिफ्ट के साथ मैं इसको सीधी लाइन भेज दूंगा, फिर फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, ई और सी दबा दूंगा, और मैं इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसकी लाइन पतली कर लेता हूँ, 0.1 mm कर देता हूँ। इसको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से मैं लाइन हटाता हूँ और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। फिर मैं इसको इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फ्रंट माइनस बैक नहीं करना, फ्रंट माइनस बैक कर। अरे ये क्या हो रहा है, दो मिनट अब भी ठीक करके देखो। इस साइड से मेरा ऊपर ही रहा। अच्छा, मैं वो सिलेक्ट नहीं कर रहा जो मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। ये सिंपल, आपको ये सिलेक्ट कर लेना इतना दूर का एरिया, फिर यहां से आप कर रहे फ्रंट माइनस बैक, तो ये आपका ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे वाले एरिया का अलग ग्रुप बनाएंगे और ऊपर वाले एरिया का अलग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्यू करेंगे, स्क्यू इसकी क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी बोलते हैं। फिर मैं इसको भी थोड़ा सा इधर से स्क्यू कर दूंगा इस तरह, और फिर यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूंगा। मैं इसको व्हाइट दे देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा ग्रे वाला व्हाइट दे देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो पेपर इफेक्ट जैसा आ रहा है। अब मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, आपको एकदम बढ़िया सा व्यू दिखेगा। तो भाई देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके सामने जो आने वाला है बहुत ही जहर सा होगा। मैंने इसको यूं कर दिया, हल्का सा डार्क ग्रे का यहाँ पे मैं यूज करूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, ग्रुप कर दूंगा। सॉरी, अभी तो एक इफेक्ट देना रह गया। इन दोनों को ग्रुप करके मैं यहाँ से इसको शैडो दे देता हूँ। कोई सा भी शैडो यहाँ से उठा लो, बस आपको दिखाना ही है फाइनल आउटपुट, इससे ज्यादा तो आप सीख ही रहे हो। हल्का सा देना, या तो एरो की से आप इधर उधर कर सकते हो जहां मर्जी चाहे। एरो की से ही कर रहा हूँ, नहीं हो रहा मुझसे, एरो की से नहीं हो रहा। अब मैं करूंगा क्लोज इन चैट। ये फाइनल आउटपुट आने वाला है, ये आ गया। मैं क्या करूंगा, इसको पूरा ग्रुप करके अब इन सबको स्क्यू कर दूंगा इस तरह से, नहीं तो रोटेट कर दो आप। ठीक है, तो भाई जब फाइनल फुल व्यू लेट्स रेडी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि हमारे चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।